हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मोहिंदर कुमार। एक बार मैं फिर आपके यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव ट्यूटोरियल्स बाय मोहिंदर सर में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीरण की बात करने वाला हूं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बड़ी कन्फ्यूजन महसूस करते हैं। एक्चुअली वो कन्फ्यूज हो जाते हैं जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस क्लियर करूंगा जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है, और फिर हम जेरंड से रिलेटेड 5 or 6 वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको इन वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिल सके, और लाइक तो कर ही दीजिए क्योंकि आप वीडियो देखते हुए बहुत मस्त हो जाओगे और लाइक करना भूल जाओगे, क्योंकि जितने लाइक्स आप देते हो उससे मोटिवेशन मिलती है और हर बार आपके साथ कुछ ना कुछ नया शेयर करने की प्रेरणा मिलती है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं हमारे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, एंड दैट टॉपिक इज जेरंड। अब जेरंड नॉन फाइनाइट का एक टाइप है। अब जेरंड में हम लगाते हैं क्या, सबसे पहले इसकी बनावट देखते हैं। इसमें क्या लगाते हैं, इसमें हम लगाते हैं v1 प्लस ing लगाते हैं। अब बच्चों को प्रॉब्लम यह होती है कि जेरंड में भी v1 प्लस ing लगता है, और एक हमारे पार्टिसिपल के 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी हम क्या लगाते हैं, अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी हम क्या लगाते हैं, v1 प्लस ing लगाते हैं। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों ही नॉन फाइनाइट के टाइप हैं और दोनों में ही v1 प्लस ing लगता है। तो ब्रीफली मैं आपको इनमें डिफरेंस क्लियर करने वाला हूं और फिर हम जेरंड से रिलेटेड सारे रूल डिस्कस करेंगे। अब क्या डिफरेंस है कि v1 प्लस ing जो जेरंड है ये किस रूप में काम करता है, एज ए नाउन का काम करता है, संज्ञा का काम करता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा किसका काम करता है, ये हमारा काम करता है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव मींस विशेषण का काम करता है। इसको हम जानते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया आई लाइक व्हाट, डांसिंग, आई लाइक डांसिंग, एक तो सेंटेंस मैंने ये लिखा। एक मैं और सेंटेंस लिखता हूं, व्हाट आई सो अ डांसिंग गर्ल। हमने डांसिंग को ही लिया, दोनों में डांसिंग लिया। अब ये दो सेंटेंस है। अब एग्जाम में क्या आता है, आपको दोनों में अंडरलाइन करके आ जाता है और पूछते हैं कि इसमें जेरंड कौन सा है और प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा है। तो बड़ा इजी है, जो इसमें नाउन का काम कर रहा है वो हमारा जेरंड है, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है वो हमारा, जो हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब पहचानोगे कैसे, अब पहचानना बहुत इजी है। आपको पता है एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। अगर आप इन दो सेंटेंस को ध्यान में देखो तो दूसरे वाले सेंटेंस में गर्ल हमारी क्या है, नाउन है। नाउन आपको पता है द नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन और थिंग, ये पर्सन का नाम है, ये नाउन है। और देखो डांसिंग कहां लगा हुआ है, v1 प्लस ing नाउन से पहले लगा हुआ है, और हमारा एडजेक्टिव क्या लगता है, नाउन से पहले। डांसिंग किसकी विशेषता बता रहा है, गर्ल की, कौन सी लड़की, नाचती हुई लड़की। तो इसका मतलब दूसरे वाले सेंटेंस में जो डांसिंग है जो नाउन से पहले लगा हुआ है, एडजेक्टिव नाउन से पहले आते हैं, तो यहां पर डांसिंग किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। तो दूसरे वाले सेंटेंस में डांसिंग क्या है, हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और पहले वाले सेंटेंस में देखिए डांसिंग अकेला आया हुआ है। तो डांसिंग किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस में, इंग्लिश में स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में हमारा क्या आता है, नाउन आता है। तो डांसिंग किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। तो बहुत इजी पहचानना है। आपको क्या देखना है कि अगर v1 प्लस ing के तुरंत बाद कोई नाउन दिया हुआ है तो वो v1 प्लस ing किसका काम करेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का, और अगर v1 प्लस ing के बाद कुछ नहीं दिया हुआ तो वो किसका काम करेगा, जेरंड का काम करेगा। मेरे ख्याल में आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम चलते हैं हमारे रूल्स की तरफ कि जेरंड कहां कहां हम यूज करते हैं। तो चलते हैं
पहले रूल की तरफ, जीरंड कहां यूज होता है? सबसे पहले जीरंड यूज होता है एज ए सब्जेक्ट, कर्ता के रूप में होता है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि इंग्लिश में पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आती है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आती है। तो ये सब्जेक्ट का काम करता है। तो आपको क्या देखना है, अगर वर्ब से तुरंत पहले ब्लैंक दिया हुआ है तो वहां पर क्या आएगा, हमारा जीरंड आएगा। जैसे आपने सेंटेंस ये सुना होगा, डैश इज अ गुड एक्सरसाइज। हमारे पास चार ऑप्शन आ जाते हैं। पहला ऑप्शन आ गया वॉक, दूसरा ऑप्शन आ गया टू वॉक, तीसरा हमारा आ गया वॉकिंग, फोर्थ हमारा आ गया वॉक्ड। तो इसमें हम सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो ब्लैंक दिया हुआ है, वर्ब दी हुई है, वर्ब के बाद हमें क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जो कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। तो यहां पर आपको ब्लैंक दिया हुआ है तो हम किसके साथ क्या यूज करेंगे, जीरण। तो हम क्या यूज करेंगे इसमें, वॉकिंग। कहते हैं ना वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, डांसिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, पर हम ये भी कहते हैं स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। तो आपने क्या ध्यान देखना है, तो एज ए सब्जेक्ट हमें किसको यूज करना है, जीरण को यूज करना है। दिस इज योर फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल। कम टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल कि कहां हम जीरण को यूज करते हैं। पहला तो ये है, दूसरा हम इसको करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, या हम इसे यूज कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट पूरक होता है, मैंने अपनी एक वीडियो में बड़े अच्छे ढंग से क्लियर किया है कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या अंतर होता है। तो दूसरा ये काम करेगा एज एन ऑब्जेक्ट। जरा एग्जाम्पल देखते हैं, या कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब तो पूरक, जो सेंटेंस को पूरा करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेंटेंस आ गया, सींग इज डैश। अब हमारे पास देखो स्ट्रक्चर आ गया, सब्जेक्ट, सींग सब्जेक्ट हो गया, मैंने अभी बताया था एज ए सब्जेक्ट काम कर सकता है। फिर हमारे पास क्या आ गई, वर्ब। अब हमारे पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में अब क्या लगाएंगे, इमीडिएटली हम क्या लगाएंगे, जेरंड लगाएंगे। जरा एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो हमारे पास ऑप्शन आ गया बिलीव, दूसरा ऑप्शन आ गया टू बिलीव, थर्ड आ गया बिलीविंग, फोर्थ आ गया बिलीव्ड। तो अब हम इसमें क्या यूज करेंगे, जेरंड यूज करेंगे, और क्योंकि ऑब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, तो क्या यूज करेंगे, बिलीविंग यूज करेंगे। ओके, सो दिस इज योर सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल। सो जेरंड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यूज करते हैं, एज ए सब्जेक्ट, फिर एज एन ऑब्जेक्ट। आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला देता हूं कि 99% केसेस में अगर आपको अगर शुरुआत में ब्लैंक मिल जाए या सेंटेंस के लास्ट में ब्लैंक मिल जाए तो उसमें क्या आता है, V1 plus ing means जेरंड ही आता है 99%, या तो वो सब्जेक्ट का काम करेगा या एज एन ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इस प्रकार आप बहुत इजिली इसे याद रख सकते हो। कम टू द थर्ड रूल, कहां हम कॉम्प्लीमेंट जेरंड को लगाते हैं, चलते हैं हम थर्ड रूल की तरफ। कुछ वर्ड्स हैं उनके बाद हमेशा जेरंड लगता है, हम टू प्लस, हम उनके बाद V1 plus ing लगाते हैं। अब वो कौन कौन से वर्ड हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर बी फॉर्म जो है, बी फॉर्म के साथ हमें क्या दिया हो, यूज टू दिया हो। एक हमारा होता है अडिक्टेड टू, ओके, एक हमारा होता है अकस्टम्ड टू, ओके, एक हमारा क्या होता है हैबिचुएटेड टू, और पांचों में लिखवाने जा रहा हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यही वर्ड आता है, एंड दैट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू। ये आपको पांच ध्यान रखने हैं, इन पांच के बाद यूज टू से पहले बीबी हो, addicted to, accustomed to, habituated to, looking forward to, इन पांच के बाद आप हमेशा क्या यूज करोगे, जेरंड यूज करोगे, V1 plus ing लगाओगे। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, इन पांच वर्ड्स के बाद हम हमेशा V1 plus ing जेरंड लगाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं,
He is looking forward to dash you. मतलब for example ये आ जाता है. He is looking forward to dash you. हम क्या ऑप्शन लेंगे? मान लो हमारे पास ऑप्शन आ गया, पहला ऑप्शन आ गया सी, दूसरा ऑप्शन आ गया टू सी, तीसरा ऑप्शन आ गया सीन, चौथा ऑप्शन आ गया सीन. तो लुकिंग फॉरवर्ड के बाद आप क्या लगाओगे? जेनरल लगाओगे, वीवन प्लस आईएनजी लगाओगे, तो क्या लगाओगे आप? सीन. सो दिस इज योर थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल. कम टू द फोर्थ रूल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. आपने क्या ध्यान रखना है? फोर्थ रूल बहुत इजी है. क्या रूल कहता है? आफ्टर ईच एंड एवरी प्रेपोजिशन, आफ्टर ईच एंड एवरी प्रेपोजिशन हम क्या यूज करते हैं? जेरंड यूज करते हैं, वी वन प्लस आई एन जी यूज करते हैं. तो आपने क्या ध्यान रखना है? आफ्टर एवरी प्रेपोजिशन. तो एवरी प्रेपोजिशन के बाद हम क्या यूज करेंगे? वी वन प्लस आई एन जी करेंगे. जैसे प्रेपोजिशन तो आपको पता ही है, इन, ऑन, एट, बाय, विद, तो बहुत सारी प्रेपोजिशन होती है. एग्जाम्पल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज फॉन्ड ऑफ डैश आइसक्रीम. अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? अब प्रेपोजिशन दिया हुआ है. अगर हमारे पास चार ऑप्शन आ जाते हैं, पहला ऑप्शन आ गया फॉर एग्जाम्पल ईट, दूसरा ऑप्शन आ गया टू ईट, थर्ड ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ईटिंग, फोर्थ ऑप्शन आ जाता है ईटर. तो इसमें हम क्या लगाएंगे? प्रेपोजिशन आ गया, प्रेपोजिशन के बाद हम क्या लगाएंगे? वी वन प्लस आई एन जी. तो वी वन प्लस आई एन जी क्या आएगा? ईटिंग. तो हम क्या लगाएंगे? ईटिंग. सो दिस इज द फोर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, दैट आफ्टर ईच एंड एवरी प्रेपोजिशन वी यूज वी वन प्लस आई एन जी और जीरंड वी यूज. कम टू द फिफ्थ रूल. अब फिफ्थ रूल क्या है? That's again very important. After possessive adjective, after possessive adjective के बाद हम क्या लगाते हैं? Gerund लगाते हैं. अब possessive adjective क्या होते हैं? हम इन्हें अधिकारवाचक विशेषण भी कहते हैं. Possessive मैंने अधिकार होता है, adjective मैंने आपको बताया था विशेषण, अधिकारात्मक विशेषण. कौन से होते हैं? आपको पता है आई का माई, है ना, आई का माई, है ना, सेकेंड जो फॉर्म होती है आई का माई, ठीक है, वी का आवर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, दे का देयर और यू का योर. तो ये हमारे चार क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं. तो अगर आपको पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद ब्लैंक मिलता है, खालिस्तान मिलता है, या इनके बाद वी वन प्लस आई एन जी मिलता है, तो वो आपका क्या होगा? जेरंड होगा. चलते हैं हम एक एग्जाम्पल की तरफ, इसको देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक हिज डैश टाइम. अब ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास? पहला ऑप्शन आ गया वेस्ट, दूसरा आ गया टू वेस्ट, थर्ड आ गया वेस्टिंग, है ना, फोर्थ आ गया वेस्टेड. तो हमारा क्या आ गया यहां पर? पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, हिज आ गया. तो अब हमारा क्या लगेगा? जेरंड. और जेरंड कौन सा है इसमें? वी वन प्लस आई एन जी लगेगा, तो वो कौन सा है? वेस्टिंग. दिस इज द फिफ्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ जेरंड. एंड कम टू द नाउ लास्ट रूल ऑफ जेरंड विच इज सेट इन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स. एंड वॉट इज द लास्ट रूल? अब कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बेयर इंफिनेटिव से रिलेटेड कुछ वर्ड्स बताए थे, टू प्लस इंफिनेटिव से रिलेटेड कुछ वर्ड्स बताए थे, वैसे ही इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके बाद हमेशा वीवन प्लस आई एन जी लगता है. और मैं आपके साथ 10 और 12 जो मेन मेन वर्ड्स है वो डिस्कस करने वाला हूं, जो बार बार एग्जामिनेशन में सेट किए जाते हैं. वो कौन कौन से वर्ड हैं? इंजॉय, माइंड, रिस्क, इमेजिन, कांट हेल्प, कुडंट हेल्प, नो यूज, क्लियर, फैंसी, एंड देन कैरी ऑन,
पोस्टपोन, पुट ऑफ, गिव अप, ये कुछ वर्ड्स हैं। लिस्ट बहुत बड़ी है लेकिन मैंने आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो डिस्कस किए हैं ये मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सेट किए जाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड डैश विद हिम। मान लो ये आ गया, अब हमारे पास चार ऑप्शन आ गए। पहला ऑप्शन आ गया रीड, दूसरा ऑप्शन क्या आ गया, रीड की जगह हम एक और वर्ड लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ऑप्शन ले लिया स्टडी, दूसरा ऑप्शन ले लिया स्टडिंग, तीसरा ऑप्शन ले लिया टू स्टडी, फोर्थ ऑप्शन हमने ले लिया स्टडी। अब इसमें माइंड वर्ड आया हुआ, तो माइंड वर्ड के बाद क्या लगता है हमेशा, वी वन प्लस आई एन जी, तो यहां हम क्या यूज करेंगे, स्टडिंग। तो इसी प्रकार अगर आपको कोई भी इनमें से एक वर्ड मिल जाता है तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हमेशा वी वन प्लस आई एन जी लगाएंगे। तो ये आपके इंपॉर्टेंट सिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल थे, किससे रिलेटेड, जीरण से, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सेट किया जाता है। तो मेरे ख्याल में आपको जीरण से रिलेटेड जितनी भी कंफ्यूजन होगी अब दूर हो चुकी होगी, और आप अगर इन रूल्स को अच्छे ढंग से अगर याद कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आप हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे ढंग से सोल्व कर पाओगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर माय वीडियो अमंग योर फ्रेंड एंड रिलेटिव्स सो दैट दे मे बी बेनिफिटेड।